Good morning to all of you. You are warmly welcome to this International Crypto Festival of Poetry. कला साहित्य और संस्कृति की समृद्धि के लिए प्रतिबद्ध कृत्या अनेक साहित्यिक गतिविधियों के साथ भारत के विभिन्न भागों में हर वर्ष एक अंतर्राष्ट्रीय कविता उत्सव का आयोजन करती रही है। वैश्विक पटल के इस कठिन दौर में विश्व बंधुत्व की बात करना जितना मुश्किल है उतना जरूरी ही है। हम केवल इसलिए नहीं विश्व बंधुत्व की बात कर रहे हैं कि हमारी वैदिक पुस्तकों में ऐसा लिखा हुआ है। ये मुश्किल इसलिए है कि व्यवसायिकता के इस क्षेत्र में, इस दौर में, बाह्य रूप से जितना सब कुछ सामान्य लग रहा है उतनी ही तेजी से हमारा खोखलापन हमें दिखाई देने लगा है। हालांकि बाहरी उत्थान या विकास किसी भी समाज के लिए बहुत जरूरी है, लेकिन उतना ही जरूरी है उसका आत्मी और सांस्कृतिक कलात्मक उत्थान भी। कविता का संबंध इसी आत्मीयता से है और कविता की जड़ें हमारे अंतस में भीतर तक गुथी होती हैं और हम सबको आपस में जोड़ती रहती हैं। और जिन पर हमें विश्वास था वो टूटते जा रहे हैं। आत्मीयता और भीतरी विकास को दरअंदाज करने के कारण हम एक ऐसे रास्ते की ओर बढ़ रहे हैं जो निसंदेह हमें मानवता की ओर नहीं ले जाता है। हमारा आंतरिक विकास जिस तरह से अवरुद्ध हो रहा है उससे हमें जो भय है वो एक सवाल भी पैदा करता है कि क्या हो सकता है और कौन इसकी सहायता। यदि हम कहें कि कविता इसमें कैसे सहायता कर सकती है, क्योंकि ना तो वो पैसा दे सकती है और ना ही आपको कुछ और भौतिक चीजें, लेकिन मैं इसके बारे में ज्यादा बोलना नहीं चाहूंगी क्योंकि 3 दिन का जो हमारा यहाँ उत्सव होगा वो आपको 3rd दिन इसका जवाब दे देगा। और इसका एक उदाहरण, वैसे तो बहुत से उदाहरण है, एक उदाहरण मेडेलिन का जो पोएट्री फेस्टिवल है उससे हम समझ सकते हैं कि मेडेलिन कोलंबिया का जो शहर मेडेलिन, जिसको येलो कलर में रेखांकित किया जाता था कि आप यहाँ पर प्रवेश ना करें या आप वहां ना जाएं, जहां पर तस्कर माफिया बेहद जटिल रूप से भरा था, जहां टू इन दिस डिफिकल्ट टाइम, कृत्या ने 2005 में छोटी सी कोशिश आरंभ की थी बिना किसी भूमिका और बिना किसी तैयारी के। और पूरे 8 साल से हम इस कोशिश को अंजाम देने की पूरा प्रयास करते आ रहे हैं। कृत्या ने कुछ दिशाएं निर्धारित की थी, जैसे जमीनी भाषाओं से जुड़ी कविताएं, कलाम और उनके को के बीच में केंद्र में कविता को रखना और उनके पास खुद पहुंचना। और यही नहीं, जो भारतीय भाषाओं की कविता को वैश्विक भाषाओं से जोड़ना, कि जब तक ये आयोजन चले, इस 3 दिवसीय आयोजन के चलने पर यदि इसी प्रकार प्रकाशित होता रहे, हमारी मेधा को आलोकित करता रहे,